बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिलीज और फ्रेंड के साथ, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगी रोगनी नान। रोगनी नान किस तरह और किस तरीके से बनेगा ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। ये मैदा मैंने एक किलो लिया है, मैदे को मैं छान के इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडा एक अदद, बेकिंग पाउडर एक खाने का चम्मच, तिल हसब ज़रूरत गार्निश के लिए, ये ईस्ट है एक पैकेट, मैंने एक कप दूध शामिल किया है। अब जी मैं आधी चम्मच नमक शामिल करूँगी और मैंने आधी चम्मच चीनी शामिल की है। दूध नीम गर्म लिया है ताकि चीनी जो है वो इस नीम गर्म दूध में मेल्ट हो जाए। अब मैं इसी दूध में बेकिंग पाउडर शामिल करूंगी, अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अब मैं इस दूध में अंडे की सफ़ेदी शामिल करूंगी। मैंने ईस्ट को एक कप नीम गर्म पानी में इसे घोल दिया था। अब मैं ईस्ट का जो है वो इसमें शामिल करूंगी दूध में। इस मैदे को मैंने खुले बर्तन में डाल दिया है। अब मैं एक चम्मच आयल शामिल करूंगी। अब मैं इसे मिक्स करूंगी। अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अब मैंने जो तैयार किया है ये ईस्ट वगैरह का, वो मैंने इसमें शामिल कर दूंगी लिक्विड। ये जितना भी बैटर मैंने तैयार किया है मैंने इसमें शामिल कर दिए। थोड़ा थोड़ा शामिल करके इसे गूंदना है। ये मैंने आटा गूंद लिया है, हमारी डो तैयार हो गई है। मैंने इसे थोड़ा सा ऑयल लगाया है। अब मैं इसे 15 मिनट रखूँगी। अब 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब मैं इसके पेड़े बनाऊँगी। अभी पेड़े बना दिए हैं, अब इन्हें बेलेंगे। अब मैंने इस पेड़े को बेल लिया था, फिर इस पर थोड़ा सा पानी लगाया ताकि जो तिल हैं वो इसके ऊपर बैठ जाएं, जम जाएं। अब मैं इसे पकाऊंगी। अब इस प्लेट के ऊपर मैं इसे पकाऊंगी। अब एक पतीले मैंने इसको रखा है, इस पतीले को पहले मैंने गर्म कर लिया था, इसके नीचे स्टैंड रखे, ऊपर मैंने ये प्लेट रखी है। अब मैं इसे कवर कर लूँगी। माशाल्लाह से हमारे रोगनी नान तैयार हो गए हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आखिर में जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।